Secretary Sri Gautam Khattarji, Cultural Secretary और Special Thanks हमें जिन्हें कहना चाहेंगे वो हमारे प्रदीप मित्रा साहब यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन मैं President और Secretary साहब से मेरी request है, विश्वास साहब और गौतम घटक साहब प्लीज आप कहीं भी हो जरा मंच पे आ जाइए। मैं इनको इसलिए बुला रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मैं अभी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी को खड़े रहना है, हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मॉर्निंग में हम लोग एक बुरी खबर आई कि परल एल्पिस्टन रोड स्टेशन पर एक हादसा हुआ, उस हादसे में बहुत से बेकसूर लोग मारे गए। शो को शुरू करने से पहले, इस उत्सव को मनाने से पहले हम सब मिलकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, ये हमारा प्रथम कर्तव्य है, उसके बाद हम शो शुरू करेंगे। मैं प्रेसिडेंट साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मंच पर आए। गौतम घटक जी, विश्वास साहब, आपसे भी अनुरोध है कि आप कृपया मेरी अनाउंसमेंट सुन रहे हैं तो प्लीज कम ऑन द स्टेज। टीएन विश्वास एवं गौतम घटक जेखानी थाकुन प्लीज कम ऑन द स्टेज। ओके, मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सभी लोग खड़े रहेंगे। हाँ सर, आ जाइए मंच पर। सभी बच्चों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हम जो इस हादसे में गुजर गए हैं उनके आत्मा को शांति के लिए हम लोग एक मिनट का मौन रखेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बेटा खड़ा हो जाओ।
ओम शांति शांति इस तरीके से पिता धन्यवाद स्वागत है। दुर्गोत्सव 2017 में मैं इस प्रोग्राम के अध्यक्ष या इस अनुभव घटक साहब ओके गौतम घटक जी स्वागत है आपका। आइए प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, ये हमारा कर्तव्य है। हम सभी रियल इंडियन हैं, सच्चे भारतीय हैं, दूसरे के प्रति सद्भावना रखते हैं। हम लोग बड़े संविधानशील जैसे कहते हैं हम लोग सेंटीमेंटल का हाथ लोगों ने ये हमारे दिलों में है, दूसरे के लिए प्यार है, सहानुभूति है। तो मैं हमारे घटक साहब विश्वास साहब और मित्रा जी इन तीनों के लिए सबसे पहले जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों कि आज का जो प्रोग्राम है इन्होंने हमें खूबसूरत मौका दिया है तीव्र मध्यम को। आज हम लोग आपको ओल्ड इज गोल्ड बहुत ही सुपरहिट नगमे सुनाने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के प्रोग्राम को आप लोग बेहद पसंद करेंगे और सालों साल तक याद रखेंगे। मैं सुशील कुमार आपका दोस्त आपके साथ हूँ, आज के प्रोग्राम को होस्ट कर रहा हूँ। मैं आप तीनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर। ओहो विश्वास जी, गौतम जी, मित्रा जी, थैंक यू, धन्यवाद। आप विराजमान हो जाइए, हम शो शुरू कर दिया। आपके इंतजार की घड़ियां बिल्कुल खत्म हुई, अब वक्त करीब आ गया है गीत संगीत और मनोरंजन का। मनोरंजन की दुनिया में एक कदम सबसे आगे नाम इंटरनेशनल आर्टिस्ट की
हेलो वेलकम सलाम नमस्ते गुड इवनिंग नमस्कार खुशामदीद खिदमत में पेश आपके नगमों के जाम करते हैं खिदमत में पेश आपके नगमों के जाम करते हैं आज की हसीन महफिल आपके नाम करते हैं कबूल करना दोस्तों हम सभी कलाकार आपको संगीत भरा सलाम करते हैं आई एम हार्टली वेलकमिंग ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल आर्टिस्ट एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू दैट वी गॉट ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी परफॉर्म ऑन द स्टेज लेडीज एंड जेंटलमैन देवी सज्जनों खवातीन हजरात मैं हूं आपका दोस्त आज के महफिल का होस्ट मेरा नाम है सुशील कुमार और सुशील कुमार का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार अरे मेरा नमस्कार हो गया लेकिन आपकी जोरदार ताली पे चमत्कार भी होना चाहिए ये वाह आपकी ताली के लिए एक शेर अर्ज करना चाहूंगा कहते हैं कि जिस तरह खूबसूरती के लिए चांद पर दाग का होना जरूरी है जरा ये शेर है बीच में आपकी वाहवा होनी जरूरी है वाहवा से शेर का वजन बढ़ता है थैंक यू कि जिस तरह खूबसूरती के लिए चांद पर दाग का होना जरूरी है जिंदगी जीने के लिए इज्जत और शोहरत का होना जरूरी है इज्जत और शोहरत हो तो दौलत का होना जरूरी है किसी भी मर्द के कामयाबी के पीछे औरत का होना जरूरी है वैसे आप लोग बहुत समझदार है फिर भी मेरा ये समझाना जरूरी है कि आज की तीव्र मध्यमा के प्रोग्राम को सुपरहिट बनाने के लिए इतनी कम नहीं दोस्तों ईमानदारी से आपकी जोरदार तालियों का होना बहुत जरूरी है और जितनी जोरदार आपकी तालियां होगी उतना जोरदार दुगना आज का ये प्रोग्राम होगा आज के महफिल में आपका मनोरंजन होगा ज्यादा ये रहा हमारा वादा इसी वादे और इरादे के साथ ज्यादा वक्त में लेते हुए तीव्र मध्यमा की आज की शाम हम आपके नाम करते हैं और बुलाते हैं हमारे पहले ओपनिंग बैट्समैन यानी कि पहले गायक कलाकार को जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे हमारे गायक कलाकार मिस्टर सौमित्र का वेलकम सौमित्र सौमित्र जो किशोर कुमार साहब के फैन है और आप भी हैं इस महफिल का पहला नगमा किशोर दा का गाया हुआ है आपको थोड़ा रोमांटिक बनाना चाहते हैं और किशोर दा के लिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि आसमान में सितारे तो बहुत है लेकिन चांद जैसा कोई नहीं अरे संगीत की दुनिया में कलाकार को बहुत है लेकिन किशोर कुमार जैसा कोई नहीं अली किशोर दा का गाया हुआ अली धर्म का संगीत उदय किया हुआ गति पतंग का खूबसूरत नगमा ये शाम मस्तानी सिर्फ Oh,
खुशी हो रही है कि आप लोगों ने हमें यह शानदार मौका दिया है दुर्गा से 2017 में। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और कमिटी मेंबर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दोस्तों आज ये सेलिब्रेशन हो रहा है और कल जो था म्यूजिकल सितंबर था, पूरे हिंदुस्तान ने पूरे विश्व ने मनाया क्योंकि हमारी हिंदुस्तान की गान सम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर जी का जन्मदिन था। कल की तारीख भला कौन भूल सकता है। जी हाँ दोस्तों, लता जी 75 साल पूरे किए हैं इस आवाज ने फिल्म इंडस्ट्री में। लता जी के गाए हुए बहुत सारे नगमे आज के महफिल में गूंजने वाले हैं और बस लता जी का गाया एक खूबसूरत नगमा लेकर हम आपके सामने आए हैं। संगीतकार मदन मोहन साहब का संगीत हकीकत फिल्म से ये खूबसूरत नगमा हमने आपके लिए चुना है। ओल्ड इज गोल्ड के इस मंच पर तीव्र मध्यमा की हमारी बहुत ही बेहतरीन गायिका आ रही है। हम जोरदार ताली के साथ उनका इस्तेमाल करेंगे, स्वागत करेंगे। आ रही है शिल्पा नवेदी। Thank you.
मेरे आने से पहले आप लोगों की तालियां बजती है, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों की तालियां बजाइए। बड़े अच्छे सुनने वाले लोग मेरे सामने बैठे हैं, लेकिन दोस्तों एक ऐसे कलाकार को, उस महान इंसान को याद करते हैं कि जिसके जिक्र के बिना, जिसकी याद के बिना हर महफिल हर शाम अधूरी है। वो हमारे संगीत की दुनिया में सिर्फ एक नाम है कि महफिलों के दामन में साहिरों के आसपास, महफिलों के दामन में साहिरों के आसपास, ये सदा गूंजेगी सदियों तक दिलों के आसपास, सिर्फ एक नाम मोहम्मद रफी, मोहम्मद रफी, मोहम्मद रफी। ये चांद घटा में छिप गया सारा जहां उदास है, कहती है दिल की धड़कने मोहम्मद रफी तू दिल के आसपास है। सात सुर के मालिक मरहूम मोहम्मद रफी साहब की याद को सरोताजा करते हुए उनकी शान में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि गीतों के स्वर टूट गए, गीत अभी बाकी हैं, क्षमा जल गई बूझकर रोशनी अभी बाकी है, तेरी मौत हमसे जुदा कर गई रफी, लेकिन तेरी आवाज तेरे नगमे आज भी फिजाओं में बाकी है। फिजाओं में फैली रफी साहब की सुनहरी आवाज को प्रस्तुत करने के लिए तीव्र मध्यमा के इस खूबसूरत मंच पर मैं बुलाने जा रहा हूँ द गोल्डन वॉइस ऑफ मोहम्मद रफी, हमारे बहुत ही प्यारे कामयाब होनहार गुणी गायक कलाकार को हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे, मिस्टर अंसार जी का। Thank you.
देख रहा हूं कि आप लोग तालियां बजा रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज नहीं लग रही है। गाने सुनना बड़ी बात नहीं है दोस्तों, गानों को एंजॉय करना सबसे बड़ी बात है। गाने सुनना आपके लिए बड़ी बात है, आपके मोबाइल में हजारों गाने फीड है, आप एफएम पे हजारों गाने सुनते हैं। आज के प्रोग्राम में लाइव भी गानों को सुनने का अलग मजा है। और दोस्तों ऐसे म्यूजिकल शो के लिए आप वक्त निकाल के आए हैं वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के दौर में ना बाप बेटी की सुनता है ना बेटा बाप की सुनता है, और आप लोग हमें सुनने के लिए आए हैं, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आज के प्रोग्राम को आप लोग सचमुच एंजॉय करना चाहते हैं ना, सारे टेंशन दिमाग से निकाल दो। दूसरा काम करना है, 2 घंटे के लिए आपके मोबाइल को आपको भूलना है, 2 घंटे के लिए मोबाइल को भूल जाइए। मोबाइल की माया से बचना भाया, क्योंकि मोबाइल पे आदमी लाखों लुटा देता है और वही मोबाइल आदमी को भरी महफिल से उठा देता है। मोबाइल आया कैमरा खत्म, मोबाइल आया टॉर्च खत्म, मोबाइल आया घड़ी खत्म, मोबाइल आया बच्चों का खेलना कूदना खत्म, मोबाइल आया रेडियो खत्म, मोबाइल आया लैंडलाइन खत्म, मोबाइल आया पत्र और चिट्ठी खत्म, मोबाइल आया आपका सुकून खत्म, और गलती से आपका मोबाइल आपकी बीवी के हाथ में लग गया। बाकी आप लोग समझ रहे हैं, इसलिए कहना चाहूंगा यूं तो जिंदगी में कहीं मोड़ आएंगे, कभी खुशी कभी गम लाएंगे, रखना अपने आप को संभाल कर दोस्तों, क्योंकि आज के महफिल में आप हंसेंगे तो हम कलाकार भी मुस्कुराएंगे। मुस्कुराते हुए हाँ घुल मिल जाइए, मुस्कुराते हुए इस प्रोग्राम को एंजॉय कीजिए, हमें बड़ा मजा आएगा। मैं बुलाने चाह रहा हूँ तीव्र मध्यमा की हमारी और एक बेहतरीन कामयाब गायिका को, तालियों के साथ स्वागत करेंगे, आ रही है शिल्पा शिष्ट। शिल्पा जी स्वागत है, और शिल्पा जी ने बहुत ही प्यारा सा नगमा सुना है, आप खुश होंगे इस नगमे को सुन के। ओल्ड इज गोल्ड में जाइए, उस जमाने में लता जी का गायन हुआ, लक्ष्मीकांत करवाल का संगीत गुट किया हुआ, एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुनाते हैं आपको, आप खुश हो जाएंगे इस गीत को सुनकर।
लोग दिल से एंजॉय कर रहे हैं आज के प्रोग्राम को, और जहां पर लोग एकदम मायूस बैठे हैं ना, मैं इनको एक ही बात बोलता हूं कि जिंदगी तो है जिंदगी, गम में बिताने से क्या फायदा, जिंदगी तो है जिंदगी, गम में बिताने से क्या फायदा, अरे कुछ देर हंसो गालो, यही है जिंदगी का कायदा, क्योंकि जो हंसता है उसी का घर बसता है। और आपके चेहरे की मिलियन डॉलर वाली स्माइल को देख के मुझे खूबसूरत बात याद आ गई, ओशो कहते हैं कि जो इंसान हंसता है वो ईश्वर की प्रार्थना करता है, जो इंसान हंसता है वो ईश्वर की प्रार्थना करता है, और जो दूसरों को हंसाता है ईश्वर उसके लिए प्रार्थना करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसलिए कहता हूँ कि एक शौक बेमिसाल रखा करो, हालात जैसे भी हो होठों पे मुस्कान रखा करो, हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए, क्योंकि हंसना मनुष्य का अधिकार है। आपने कभी किसी गधे को हंसते हुए देखा है? आपने कभी देखा कोई गधा मुस्कुराते हुए आपकी तरफ देख रहा है? अगर आपने देखा तो समझ जाइए गधा मनुष्य हो रहा है, और कोई मनुष्य होकर भी हंसना भूल जाए तो समझ जाइए परिवर्तन शुरू हो गया। तो जिंदगी में हरदम हंसते रहिए, हंसना जिंदगी की जरूरत है। जिंदगी में हरदम हंसते रहिए, हंसना जिंदगी की जरूरत है, और जिंदगी को इस अंदाज में जियो कि आपको देखकर लोग कहें कि जिंदगी कितनी खूबसूरत। वाह 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 वाह, आप लोग वाह वाह करें, चलिए मैं आपकी चेहरे की स्माइल बढ़ाता हूं, कितने लोगों का ध्यान है, ये जो मेरा समझ में आएगा ना तो लोग आप लोग ताली बजाएंगे, आपकी आपकी स्माइल बढ़ाना चाहता हूं। सुन रहे सब, देख रहे सब? अच्छा, मैं एक बार शादी में गया था, एक खूबसूरत लड़की की शादी हो रही थी, मेरे बाजू में एक 50 साल के सज्जन खड़े थे, दुल्हन को देखकर बोले, देखो वक्त का पता ही नहीं चलता, कल तक मेरे गोद में खेलती थी, आज उसकी शादी हो रही है। मैंने बोला, भाई साहब आपकी भतीजी है? बोले, नहीं सेक्रेटरी। अब तालियां बजाना भूल जाते यार, एनर्जी मिली है ना, है ना। अभी मैं दावे के साथ कहता हूँ, माँ दुर्गा की कसम, आप लोग इतने खुश होने वाले हो, इतने खुश होने वाले हो कि आपके लिए मैंने ऐसी गुलकारा को, ऐसी सिंगर को बुलाया यहाँ पर, जिसकी आवाज को सुनकर आप खुद बोलेंगे वाह क्या बात है। मैं ऐसी गायिका को आपके सामने लाता हूँ जो उम्र में बहुत छोटी है लेकिन टैलेंट से बहुत बड़ी है, जिस गायिका ने लगातार 2 साल ऑल इंडिया सिंगिंग चैंपियनशिप जीता है, और आज हमारा भाग्य इतना बड़ा है कि वो गायिका आज हमारे साथ है, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। जी हाँ, तो उम्र उसकी छोटी है, तो मैं बुलाने जा रहा हूं, जितनी जोरदार तालियां बजा सकते हैं उतनी जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए, और ये प्रगति गुहा, प्रगति स्वागत है, प्रगति इस मंच पे आपका स्वागत है, आप स्केल ले लीजिए। दोस्तों प्रगति जी ने वो गाना चुना है, एक ऐसा गीत है जिसको सुनकर आपके दिल में प्यार आ जाएगा, राजा मेहदी अली खान साहब के बोल, मदन मोहन साहब का खूबसूरत संगीत, और सदियों तक गूंजने वाली सदाबहार आवाज लता मंगेशकर जी की। जी हाँ, ओ चांद पहर मुझे जी भर के देखूं, फिर किस्मत में ये तारों भरी रात हो ना हो, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो।
We are speechless. Probably, रुक जाइए आप, यहाँ पर रुक जाइए, जी भर के आपके बारे में बोलने दीजिए, क्योंकि इतनी कम उम्र में आपने इतना बड़ा टैलेंट हासिल किया है और इतने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए हैं। मैं तो सारे पेरेंट्स से यही कहता हूँ कि आज के ज़माने में सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, जैसे स्पोर्ट्स है, म्यूजिक है, तो डांस है। अब देखिए टैलेंट कितने शो आ रहे हैं, तो अपने बच्चों को पढ़ाई के अलावा ये टैलेंट भी आप बच्चों में देंगे, तो इतने सारे बच्चे हैं। मैं बच्चों को पूछूंगा, कैसी लगी आवाज आपको प्रगति की? ऑल किड्स, मैं सब सिर्फ बच्चों से तालियां चाहूंगा, सिर्फ बच्चे तालियां बजेंगे, सिर्फ बच्चे तालियां बजेंगे। और प्रगति, यहाँ पर कोई जजेस नहीं है, मैं वोटिंग नहीं मांगूंगा, तालियों की वोटिंग को तुरंत मान सकता हूँ। अगर प्रगति की आवाज आपको दिल से अच्छी लगे, हाथ उठाकर तालियां बजाइए प्रगति के लिए, हाथ उठाकर। ये देखो, ये प्यार आपको हर जगह नहीं मिलेगा, इतनी कम उम्र में देखिए क्या जबरदस्त है प्रगति। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे जिंदगी में। अच्छा, कॉन्फिडेंस मुझे शेर आ रहा है, बोलो। एक बार चूहे ने किया शेरनी को प्रपोज, आप लोग ना वाह वाह करना भूल जाते हैं यार, शेर का वजन कम होता है ना, बढ़ना चाहिए। एक बार चूहे ने किया शेरनी को प्रपोज और गिफ्ट में दिया उसको रेड रोज। एक बार चूहे ने किया शेरनी को प्रपोज और गिफ्ट में दिया उसको रेड रोज, तो शेरनी बोली चूहे से, अबे चूहे शक्ल आईने में देख। तो चूहा बोला शेरनी से, डार्लिंग शक्ल को छोड़, पहला कॉन्फिडेंस तो देख। तो कॉन्फिडेंस हाई लेवल का होना चाहिए, सब आप कुछ कर पाएंगे। तो मैं इस शो को आगे बढ़ाता हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है, आप लोग घुल मिल गए, आप लोग अब शो को पूरी प्यार से देख रहे हैं, आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों, अगली मंजिल पर मैं बुलाने जा रहा हूँ तीव्र मध्यमा के उस गायक कलाकार को, उस इंसान को जिसने आज के शो को बांधा है। इतने सारे साजिंदे, इतने सारे अच्छे म्यूजिशियंस, इतने अच्छे गायक कलाकार, ये टेक्नीशियंस, मैं खुद, इन सभी कलाकारों को आपके सामने लाने वाला एक होता है ऑर्गेनाइजर। दोस्तों, ये ऑर्गेनाइजर तो है, एक अच्छे अरेंजर भी है, एक अच्छे गायक कलाकार, उससे बढ़कर एक अच्छे इंसान भी है, और किशोर कुमार साहब के परम भक्त भी है। तो दोस्तों, मैं बुलाने जा रहा हूँ तीव्र मध्यमा के ऑर्गेनाइजर, गायक कलाकार, आपकी जोरदार तालियों के हकदार, सुनीता धामी। दोस्तों, आप हैं सुदीप्ता भाई, तालियां तो बजाएं इनका, आज मैं इनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, सब कला जाएगा। अच्छा, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बड़े बड़े प्लेबैक सिंगर जब स्टेज पर आते हैं, लोग खामोश बैठते हैं, उसका कॉन्फिडेंस डल हो जाता है। मैं इसलिए कहना चाहूंगा सुदीप्ता, आप भी सुनिए, बड़े बड़े प्लेबैक सिंगर कहते हैं कि कितना भी क्यों ना हो महान गायक, कामयाबी पा नहीं सकता। कितना भी क्यों ना हो महान गायक, कामयाबी पा नहीं सकता, और जब तक दर्शक न बजाए जोरदार तालियां, कलाकार गा नहीं सकता। तो सुनीता किशोर कुमार साहब के भक्त है, और किशोर कुमार गांगुली हमारे हिंदुस्तान का कोहिनूर। जी हाँ, किशोर कुमार जी के बचपन से लेके उनके जवानी तक उनकी पूरा संगीत करियर एक गाने में आपके लिए प्रस्तुत करते हैं, और ये बंगाली गाना है। ओके, तो चलिए सारे, कितने सारे बंगाली है, सभी है यार, मैं चाहता हूँ यार तुम लोग बंगाली में गाया भैया बहुत सुंदर पाओ। কালো বলে কাপড় অষ্টরঙ্গা মন
याद करते हैं आरडी बर्मन साहब और किशोर दा की कॉम्बिनेशन को।
हाँ वही कॉम्बिनेशन है तो लीजिए यॉर्किंग दोस्तों किशोर का की गायकी का एक सबसे खूबसूरत बात थी उनकी यॉर्किंग जी हाँ यॉर्किंग के गीत गाना दोस्तों बहुत मुश्किल है सब सिंगर के लिए मुश्किल है लेकिन हमारे किशोर दा की बात ही जा रही है यॉर्किंग वाला गीत सुनाते हैं आपको मेरे जीवन साथी का ये सुंदर गीत आपके लिए प्रस्तुत करते हैं सुनीता একটা গান গাইছি এই গানটার মধ্যে হিন্দি বাংলা দুটোই থাকবে তো আপনারা এনজয় করবেন इंसान की पहचान उसके सूरत से नहीं उसके चरित्र से होनी चाहिए इसलिए जिंदगी ऐसे मत जियो कि लोग फरियाद करें जिंदगी ऐसे मत जियो कि लोग फरियाद करें बल्कि ऐसे जियो कि लोग फिर याद करें वाह 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 तो हवा करें लेकिन मेरा एक दोस्त इंप्रेस हो गया वो मेरे पास आया और मुझे बोलता है मैं ऐसा क्या करूं कि मरने के बाद भी लोग मुझे याद करें मैंने बोला लोगों से कर्जा लेके मर दूसरा आया उसकी अलग प्रॉब्लम थी यार मुझे शादी में जाना है यार लेकिन कौन सा कोट पहनूं
कि सब लोग मुझे ही देखे। मैंने बोला पेटीकोट पहन लिया। सबके अलग अलग प्रॉब्लम है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल से जाते नहीं है। उनमें से कलाकार है किशोर कुमार और दूसरे कलाकार है सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब। क्या कॉम्बिनेशन। राजेश खन्ना साहब बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार। आपको पता है दोस्तों, आज एक महीने में एक सुपरस्टार पैदा होता है, लेकिन राजेश खन्ना 1969 से लेकर 74 तक 5 साल सुपरस्टार रहे। और इनकी सुपरस्टार पहला सुपरस्टार और लड़कियां उनको जो है ना, खूबसूरत लड़कियां उनको खून से खत लिखती थी। कुछ लड़कियां राजेश खन्ना की तस्वीर तकिए के नीचे लेके सोती थी। राजेश खन्ना की सफेद कलर की मर्सिडीज थी, जब राजेश खन्ना आते थे लड़कियां उनकी मर्सिडीज को चुनते थे, लाल कर देते थे लिपस्टिक से। इतनी जबरदस्त पॉपुलैरिटी कलाकार को मिली राजेश खन्ना साहब। आज भी बरसों बाद हमें याद करते हैं, मैं उनका एक डायलॉग सुनाता हूँ उनकी आवाज में। उम्मीद करता हूँ यह आवाज और डायलॉग आपको पसंद आए तो आपकी तालियां जरूर सुनूंगा। यह डायलॉग मैंने चुना है फिल्म डार्क से, उनकी सच्ची हकीकत है। मुझे इतनी मोहब्बत मिली आपसे, अरे मुझे इतनी मोहब्बत मिली आपसे, ये मेरा हक नहीं मेरी तकदीर है। मैं जमाने की नजरों में कुछ भी न था, मेरी आंखों में अब तक वो तस्वीर है। इस मोहब्बत के बदले में क्या नजर दूं, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। वाह वाह। इज्जत शोहरत चाहते उल्फते कोई भी चीज जमाने में रहती नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था, आज मैं हूं जहां कल कोई और था, ये भी एक दौर है वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। थैंक यू दोस्तों। राजेश खन्ना साहब को फिर एक बार याद करते हैं। राजेश खन्ना साहब पर फिल्माया गया किशोर दा का गाया हुआ लक्ष्मीकांत परेलाल साहब का संगीतबद्ध किया हुआ दुश्मन की एक सुपरहिट कव्वाली सुनाते हैं आपको। जी हाँ दोस्तों, ये किशोर कुमार साहब की गायी हुई पहली कव्वाली है। जी हाँ सौमित्र, आइए मंच पर और इस खूबसूरत कव्वाली को सुनाइए। बहुत ही प्यारी सी कव्वाली है, सारी जिंदगी की सच्चाई है इसमें। सुनते हैं वादा तेरा वादा। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, के खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। मैं इंतजार करूं कि दिल निसार करूं, मैं कुछ प्यार करूं तो मगर कैसे प्यार करूं। झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे से तेरे मारा बंदा मैं सीधा साधा। तुम्हारी जुल्फ है या सड़क का मोड़ है ये, तुम्हारी आँख है या खोल है ये, कहाँ कब क्या किसी से तुम्हें कुछ याद नहीं, हमारे सामने है हमारे पास नहीं, कभी हुस्न में तो पता नहीं, अरे मोहब्बत तुम करोगी तुम्हारा काम नहीं, मोहब्बत तुम करोगी तुम्हारा काम नहीं। I'm not afraid of the dark.
दोस्तों ये कव्वाली है और कव्वाली में तालियां कव्वाली के मूड में नहीं बजेंगे तो मजा नहीं आएगा। ऐसे नहीं, कव्वाली के साथ बजने चाहिए। मैं आपको बताता हूँ रिदम। आगे बढ़ो। कुछ फर्क नहीं नाम तेरा होते हैं। तीन लोग, पहला जिसके पास सच्चा प्यार हो, दूसरा जिसके पास अच्छा यार हो, और तीसरा जिसको संगीत से प्यार हो। क्योंकि संगीत गम भुला देता है, संगीत प्रेमियों को मिला देता है, संगीत खुशियों में नचा देता है, संगीत चेहरे खिला देता है। संगीत से जो प्यार करता है वो हमेशा मस्त मस्त रहता है, क्योंकि संगीत खुदा की इबादत है, संगीत घरानों की अमानत है, और संगीत के चाहने वालों ने माना संगीत एक अनमोल चाहत है। संगीत ये दुनिया के और नायाब सितारे हमारे लिए लुटा करे संगीत का खजाना और दे गए बहुत सारी खुशियाँ और उन खुशियों के साथ बेमिसाल गीतों की यादें। इन्हीं यादों को आज हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। एक ऐसा जबरदस्त गाना आपके लिए हमने चुना है, आर डी बर्मन साहब का संगीत है, मोहम्मद रफी साहब के साथ आशा जी की आवाज है। जी हाँ, तीसरी मंजिल का क्लब सॉन्ग हम आपके सामने पेश करते हैं। अंसार जी और हमारे शिल्पा जी मंच पर आएंगे और तीसरी मंजिल का वो जबरदस्त नगमा जो आप कुर्सी पे बैठे बैठे नाचने के लिए तैयार हो जाएंगे। खड़े होकर भी नाच सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, और जिनको स्टेज पर आकर भी डांस करना है वो भी आ सकते हैं, फुल परमिशन हमारी तरफ से, बस आपको आना है, प्रोग्राम को एंजॉय करना है। Yeah.
बहुत बढ़िया। अच्छा एक सवाल आप लोगों से करना चाहूंगा, हाथ उठा के जवाब देना है, कितने लोगों ने अपने जिंदगी में प्यार के हाथ उठाए हैं? ये बच्चे नहीं, वो वाला प्यार नहीं यार। तुम लोग अभी टाइम है, तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई से प्यार करो, स्कूल से प्यार करो, टीचर से प्यार करो, ये बड़े लोगों का प्यार है। 16 साल वाला कितने लोगों ने हाथ उठाया यार, ये बातों बातों में भूल गए यार, क्या बात है। अच्छा जिन लोगों ने हाथ उठाया है उन्होंने बिंदास प्यार किया है, और जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया है उन लोगों ने प्यार किया है लेकिन चुप चुप के किया है। और प्यार सभी को करना चाहिए, प्यार बड़ी अद्भुत चीज है, कमाल की चीज है। प्यार से सुनिए, प्यार बड़ी कमाल की चीज है, अद्भुत चीज है, हर इंसान को प्यार करना चाहिए, क्योंकि भगवान राम को भी सबसे पहले लव हुआ था, बाद में कुछ हुआ। और प्यार में मस्ती है ना, तुम प्यार करने का मजा आता है मित्र साहब, प्यार में मस्ती है तो प्यार करने का मजा आता है। आपने हाथ नहीं उठाया, अभी उठाया, आपके लिए शेर होने वाला है मेरी तरफ से, क्योंकि मस्ती करने वाला इंसान कौन है रे बाप। उन लोगों की बातचीत हो रही है कि अभी अगले मंत्रिमंडल में किसको शामिल करना है। प्यार में मस्ती है तो प्यार करने का मजा भी आता है, क्योंकि मस्ती करने वाला इंसान कभी स्वर्ग में नहीं जाता है, मस्ती करने वाला इंसान कभी स्वर्ग में नहीं जाता है, बल्कि जहां जाता है वही स्वर्ग बनाता है। और मित्रा साहब आपके लिए शेर, आपको कभी गम ना हो, आपकी खुशियां कभी कम ना हो, आप लोग वाह वाह कर सकते हैं। आपको कभी गम ना हो, आपकी खुशियां कभी कम ना हो, आपको मिले रोज नई नई गर्लफ्रेंड, आपको मिले रोज नई नई गर्लफ्रेंड, लेकिन किसी की भी उम्र 60 से कम ना हो। पहले डायलॉग में, पहले लाइन में भाभी जी खुश, दूसरे लाइन में भैया जी खुश, सब खुश है। आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, छोड़ो इधर उधर मत देखिए। एक ऐसा गाना लता मंगेशकर जी का गाया हुआ, आरडी बर्मन साहब का संगीतबद्ध किया हुआ, जितेंद्र अरुणा ऐरानी पर फिल्माया गया, आशा पारेख भी साथ में, लेकिन अरुणा ऐरानी पे ये जो है एटम नंबर है उस जमाने का, लेकिन इतना पॉपुलर है फिल्म कारवा से। जी हाँ, ये गाने में एक वर्ड है दिलबर, ओके सुने सब दिलबर, ये जो दिलबर वर्ड आता है ये आप लोगों को गाना है, गाएंगे आप लोग, मैं देखना चाहता हूँ आप लोग कितने इस शो में इन्वॉल्व है, अब पता चलेगा। तो कोरस में आप लोगों को गाना है दिलबर, ओके मैं इस तरफ आऊंगा, इस तरफ आऊंगा। चलिए शिल्पा जी हमारा कोरस भी रेडी है, ऑडियंस का कोरस भी रेडी है, म्यूजिशियन रेडी है, तो आप भी शुरू हो जाइए। Oh,
देने वाली प्यारी ऑडियंस पहली बार देख रहा हूं। आप लोग तालियां बजा रहे हैं लेकिन कुछ लोग मन में सोच रहे हैं साला चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है। मैं दिल की बात पहचान दो हाँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, कसम से, कसम से, मोदी जी की कसम, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। आप लोग सुन रहे हैं, मैं साबित करके बता रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं, ये मेरे मन की बात है, आप भी मन से सुनिए। मैं ये इसलिए कह रहा था, अगर मेरे सामने 10,000 लोग बैठे, 10,000 लोग ऑडियंस बैठे हैं और उनमें से सिर्फ 100 लोग तालियां बजा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अभी मेरे सामने अगर 500 लोग बैठे हैं और 500 में से 400 लोग तालियां बजा रहे हैं, तो हम कलाकारों के लिए बड़ी बात है। ये यहाँ पर हो रहा है और अभी मेरी बात सुनकर जो तालियां नहीं बजाएंगे, आज रात को उनको पूरे पूरे सपने आएंगे। आपके सपनों में बाबा आसाराम और राम रहीम आ सकते हैं। अभी जो दिल से हंस रहे हैं और दिल से तालियां बजा रहे हैं, वो पुरुषों के सपनों में रात को सनी लियोन आएगी। सारे पुरुष खुश रहेंगे सनी लियोन का नाम सुनकर। मैं आज बड़ा खुश हूँ कि इतनी अच्छी ऑडियंस सुन रही है। जब सुनने वाले होते हैं तो सुनाने में मजा आता है। हम कलाकारों को हजारों ऑडियंस के सामने प्रोग्राम करने की आदत है। हमारे सामने कभी 1,000, 2,000, 10,000, 20,000, 1,00,000 तक ऑडियंस के सामने मैंने प्रोग्राम किया है दोस्तों। लेकिन मैं जानता हूं कि इस पंडाल के नीचे मेरे सामने हजारों लोग नहीं बैठे हैं, इस पंडाल के नीचे आप लोगों की संख्या उतनी है जितने हमारे महान देश में ईमानदारी बची है। और ईमानदार लोग जब ईमानदारी से तालियां बजाते हैं, कलाकार बहुत खुश होता है। और वैसे भी आज मुझे गर्दी की नहीं, दिल से सुनने वाले गर्दी की जरूरत है, क्योंकि हम कलाकार हैं ना, क्वालिटी में बिलीव करते हैं, क्वांटिटी में बिलीव नहीं करते। इसलिए दिल से कहूंगा, न तमन्ना है चांद की, न हसरत है सितारों की, आप जैसे कदरदार मिल जाए हर महफिल में, तो क्या जरूरत है हजारों की। वाह वाह, दिल से ताले, सब मिलकर बजाएं, सब मिलकर, मुझे बड़ी खुशी होगी। माँ दुर्गा आपको सब सुख दे। मैं फिर एक बार इस मंच पर आपकी वो प्यारी गायिका जिसको आपने बहुत तालियों का आशीर्वाद दिया है, प्रगति गुहा, फिर एक बार आइए मंच पर। प्रगति आपका स्वागत है। अच्छा प्रगति आइए। प्रगति दो गाने सुना रही है, एक गाना है बंगाली। ओके, आप तो बंगाली लाइक करेंगे, सवाल ही नहीं आता है।
दूसरा इससे भी जबरदस्त गाना है, बाद में बताता हूँ। पहले अब सुनते हैं प्रगति के सुनहरी आवाज में एक बंगाली गीत, एंजॉय कीजिए। सुनकर सबका डांस करने का मूड हो जाएगा। दोस्तों पुराने गाने पर रिमिक्स बनाना नई बात नहीं है, इतने सारे रिमिक्स गाने आ गए, इतने सारे आपने गाने सुने, लेकिन अब जो गाना लता जी का गाया हुआ पेश कर रही है, ये गाना रिमिक्स में सबसे ज्यादा सुपर डुपर हिट हो गया, सबसे ज्यादा। मैं गाना भूलूंगा नहीं, जब ये गा के बताएंगी तब आपकी सीटियां और तालियां आनी चाहिए अगर अच्छा लगा तो।
तो शुरू हो जाए प्रगति। उससे ज्यादा हाथ होता है टेक्नीशियंस का, हमारी आवाज आपके कानों तक पहुंचाने वाले ये सारे म्यूजिशियंस के म्यूजिक की आवाज आपके कानों तक पहुंचाने का पूरा श्रेय जाता है साउंड सिस्टम को। लाइट्स हमें उजाले में लाते हैं, ये लाइट और साउंड किसका है भैया? ये साउंड ऑपरेटर का नाम बताओ। अमित, अरे अमित पहचाना ही नहीं। और लाइट वाला
वो गुरूर मत करना और जिस दिन खिलाफ हो थोड़ा सबर जरूर करना। वाह वाह। कसौटी में गंगा रखो, शरीर को चंगा रखो, दिमाग को ठंडा रखो और जेब को गर्म रखो। आंखों में शर्म रखो, जुबान को नरम रखो, दिल में रहम रखो, क्रोध पे लगाम रखो, होठों पे मुस्कुराहट रखो और व्यवहार को साफ रखो। फिर स्वर्ग में जाने की क्या जरूरत है, यही स्वर्ग है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हमेशा व्यस्त रहो। वाह वाह, बहुत बढ़िया। ग्रेट सुशील कुमार जी कहते हैं, ग्रेट सुशील कुमार जी कहते हैं कि कर्म तेरे अच्छे हो तो किस्मत तेरी दासी है, कर्म तेरे अच्छे हो तो किस्मत तेरी दासी है, और नियत तेरी साफ है तो घर में ही मथुरा काशी है। और सुशील कुमार मेरा ही नाम है। अरे मेरे लिए ऐसी बासी डाली है, जरा जोर से बजाना यार। वाह मजा आ गया। ये दोस्तों मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, गिरीश जी आप थोड़ा आगे आ जाइए, अब गिटार की ये प्यारी सी धुन सुनेंगे, और ऐसी गिटार की धुन सुनकर शाहरुख खान पागल हो गए गिटार की धुन में और जूही चावला के प्यार में। जी हाँ, और उन्होंने कहा था आपको याद है फिल्म भाई उदित नारायण जी का गाया हुआ जबरदस्त गीत आपके लिए प्रस्तुत करते हैं बैक टू बैक दो गाने अंसा। Mas sei, tirou
We'll be right back.
इरफान और जी आप रुकिए, आप रुकिए क्योंकि आपको अच्छा आज के दुर्गा से 2017 के शानदार प्रोग्राम में कमेटी ने हमें रिक्वेस्ट की है कि एक मराठी गाना भी बनता है होना चाहिए। मित्र साहब कितने लोग मराठी हैं यहाँ पर? मैडम क्या बोलो तुम्हें हो जोड़ बोलो बोलो तुम्हें ऐसा लेते हो मुंगड़ा है ना मुंगड़ा है उन लोग का चावला मा एक लावड़ी होनी चाहिए बराबर लावड़ी आशी होत नहीं लावड़ी छड़े हुआ जो लगता जोरदार छिटे वाज हो वो बोलो वाज हो तो छिटी वाजो वाजो जोरदार वाह शिट्या वाजल्या टाळ्या वाजल्या तर एक लावणी होणार जबरदस्त लावणी होणार तुम्हाला आवडणार। बंगाली लोकांना समजतं का मराठी? समजतं मला बंगाली मध्ये फक्त एकच वाक्य समजतं आम्ही तुम्हाके भालो भाषे है ना इतना मिठा वाटे रसगुल्ले घेतले तो ये लावणी सुनते हैं हमारे शिल्पा जी इस लावणी को आपके तक पहुंचाती है।
आवाज मिला है आप लोगों का। शिल्पा जी, ये लावणी गाने के बाद आपको एक जबरदस्त सुपरहिट गाना गाना है। दोस्तों, दो बंगालियों ने मिलकर इस गाने को चार चांद लगा दिया, उसमें से एक है संगीतकार बप्पी लहरी साहब जी हाँ, और दूसरे हैं किशोरदा। बप्पीदा को इस गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था फिल्म शराबी के लिए। बप्पीदा के लिए इस बार जोरदार तालियां हैं यार, गोल्ड मैन बप्पीदा पूरे हिंदुस्तान की शान है। और बप्पीदा के बारे में आपको एक बात बताता हूं कि बप्पीदा का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अच्छे संगीतकार है इसलिए, और दूसरी बात यह नाम इसलिए दर्ज किया क्योंकि 1985 टू 86 एक साल में बप्पीदा ने 36 फिल्मों को संगीत दिया है। ये आज तक रिकॉर्ड कोई भी संगीतकार दुनिया में तोड़ नहीं सका है, इसलिए बप्पीदा इज ग्रेट। और दूसरे ग्रेट किशोरदा, दोनों बंगाल के हमारे जबरदस्त कलाकार, दोनों ने मिलकर क्या गाना बनाया, आइए सुनते हैं। पहले लता जी की खूबसूरत आवाज आप तक गूंजेगी और उसके बाद किशोरदा ने जो कमाल कर दिखाया इस गाने में, मुझे नौलखा मंगा दे वो सैया दीवाने। Oh,
लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, तुमने भी शायद यही सोच लिया, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। कैप्टन आप ही है,
आप धोनी भी है, आप विराट भी है और आज के प्रोग्राम के सबके चाहते सिंगर भी बन गए। अगर ये मैं बात सच कह रहा हूँ तो आप सब लोग हाथ उठाकर तालियां बजाएंगे सुनील का के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, आपने आज के प्रोग्राम में इतने चार चांद लगा दिए। गाना बहुत कठिन है लेकिन आपने इसको बहुत सरल बना दिया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक गाना और सुनते हैं, डांस करेंगे हम लोग। करेंगे तो कुर्सी पर करना बेटे बेटे। तो ये बहुत गाना प्यारा गाना है, ये बहुत पॉपुलर है, बहुत ही सुपरहिट जोड़ी पर फिल्माया गया है, रेखा और अमिताभ बच्चन। जी हाँ, राजेश रोशन साहब का संगीत, फिल्म का नाम है मिस्टर नटवरलाल। और जी हाँ, वही गाना आपके लिए, परदेसिया सचिन हटिया, ये सुपर सॉन्ग आपके लिए गूंजेगा। और शिल्पा, अरे हमारी दोनों जो गायिका है दोनों का नाम शिल्पा है, एक का नाम है शिल्पा नवरे और दूसरे का नाम है शिल्पा शिष्टे। ये शिल्पा जी है, शिल्पा जी आपने बहुत सारे गाने गाए यहाँ पर लेकिन दिल से तालियां नहीं मांगी इन लोगों से, इनके लिए भाई एक बार जोरदार तालियां तो बजा दो सभी मिलकर। Thank you.
थैंक यू वेरी मच सर, जोरदार तालियां इन लोगों के लिए, इन लोगों के लिए जोरदार तालियां। दादा भाई ढाके टोले कमर टोले, ये सही बोला है, आप लोग रुको सर, आप भी ज्वाइन हो जाइए इनको। सर डांस करने से दुनिया का सबसे मुश्किल काम आसान होता है, पेट कम होता है, कसम से। पेट कम करना है, वजन कम करना है, डांस करो आप लोग जी भर के। तो ये बंगाली गाना है और पॉपुलर है, आपकी फरमाइश है और डांस करने वाला गाना है। सुदीप्ता, अच्छा मैं सुदीप्ता से पहली बार मिला, व्हाट्सएप पे इन्होंने मुझे मैसेज किया, हाय हाय सुदीप्ता, मुझे लगा कोई लड़की है, मैं बहुत खुश हो गया। बाद में इनकी फोटो देखी, आगे आप समझ जाओ। सुदीप्ता वेरी नाइस पर्सन, बहुत अच्छे MBA केमिकल में ही MBA किया है इन्होंने, ये सिर्फ संगीत ही नहीं बल्कि ये पढ़े लिखे हैं और टीचर है, संगीत सिखाते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप इनके साथ आप लोग डांस करेंगे सर, सब लोग डांस करेंगे। ओके तो अभी सारे डांस नंबर ही मिलेंगे आपके लिए। Come on, 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 come on
स्टेडियम ओके हाँ और एक गाना डांस बनने वाला रवि साहब का गाया हुआ और हिमन कसम एक एक चुन चुन के डांस कराऊंगा चुन चुन के गाओ कहा गया आंसर है जब एक गाना सुन लो लाइट प्लीज अगर लाइट यहाँ की जल सकती है हाँ डांस डांस करो ना ओके इसके बाद डांस ही होगा सब डांस हो ही जाएगा सब लोग डांस करेंगे चलो शुरू कर देगा Thank you.
सुंदर रिस्पांस क्राउड है डांस को अच्छे जो डांस जरूर करें। एक फरमाइश हमारे लिए आई थी, एक जो 20 मिनट कंटिन्यू डांस करना है, इसके बाद 20-25 मिनट तक कंटिन्यू डांस करना है। एक फरमाइश आई थी, उन फरमाइश का गाना हम पेश करेंगे और फिर उसके बाद हम फिर से डांस करेंगे, है ना। तो 5 मिनट तक आप मतलब स्लो बिल्कुल नहीं है, गाना फास्ट ही है। ये स्पेशल फरमाइश आई थी जब हमने बात किया था मित्रों से। ठीक है, तो फरमाइश हम एंड में लेंगे, लास्ट में लेंगे। पहले चला गया मिडली, अपना मिडली we
Hey, come on, 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 come on
और ये सब क्या है, पैसा आपको देना है मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ठीक है मत, हाथ में हाथ में क्या क्या भाई। चलो भाई एक बंगला गाना ले लो। এখানে সামনে যারা দাঁড়িয়ে আছেন, আমি সবার কাছে বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক পরিষদের পক্ষ থেকে অনুরোধ করছি, আপনারা এই সুন্দর পরিবেশটাকে নষ্ট করবেন না। অনুগ্রহ করে আমি সবার কাছে অনুরোধ করছি, আপনারা একটু শান্ত হয়ে বসুন। আমি সবার কাছে অনুরোধ করছি, বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক পরিষদের পক্ষ থেকে আমি অনুরোধ করছি, আপনারা একটু ধৈর্য ধরে বসুন। এতক্ষণ আপনাদের সামনে যারা অনুষ্ঠান করে গেছেন তারা সুন্দরভাবে করছিলেন, আপনারা আর একটু ধৈর্য ধরে বসুন। 11:30 হয়ে গেছে, আপনারা একটু একটু ধৈর্য ধরে বসুন। টিপড়া মাধ্যমা কি সুন্দর গানের অনুষ্ঠান, আমাদের সুন্দর সুন্দর গানের উপহার দিলেন, আপনারা একটু ধৈর্য ধরে বসুন। আপনারা একটু ধৈর্য ধরে বসুন। যারা ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন তাদের কাছে আমি বিশেষ অনুরোধ করছি, আপনারা একটু ধৈর্য ধরে বসুন। আমি অনুরোধ করবো মশলা
कहाँ लड़ाई झगड़ा है? তিন বিশেষ মহাশয় এবং সন্ন্যাস ব্যানার্জিকে আমরা ধন্যবাদ দিচ্ছি, ধন্যবাদ দিচ্ছি। আজকে যারা উপস্থিত আছেন এখানে সকলকে বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক পরিষদের পক্ষ থেকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই, সমস্ত শিল্পীদের বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক পরিষদের পক্ষ থেকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ, এবং সমস্ত মিউজিশিয়ানদের বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক পরিষদের পক্ষ থেকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। কালকের যে অনুষ্ঠান আছে সেইটা সোমনাথ দা অ্যানাউন্স করবে, কি আছে অনুষ্ঠান? কালকে আমাদের যে কার্ডে লেখা আছে সেই হিসাবে আমাদের মন্দিরের মায়ের প্রতিমার নিরঞ্জন হবে এবং বেলা তিনটে থেকে সিঁদুর উৎসব হবে, সন্ধ্যে ছটায় মায়ের প্রতিমার নিরঞ্জনের জন্য এখান থেকে রওনা হবে, এবং যেটা কার্ডে লেখা নেই সেটা আমাদের আপনাদের জানিয়ে দিই। এখানে ফিরে এসে আমাদের বিজয়া পিতৃ সম্মানী এবং পিতৃ বোঝ হবে, ধন্যবাদ সকলকে জানিয়ে দিই, ধন্যবাদ ধন্যবাদ সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে। আজ 2017 সালের এই নবমীর মহানবমীর অনুষ্ঠান আমরা এখানেই শেষ করছি, আগামীকাল দশমী সকলকে বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক পরিষদের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আগাম বিজয়া দশমীর শুভেচ্ছা, ধন্যবাদ। মাইকটা দিয়ে দাও ভাই, বন্ধ করাও প্রোগ্রাম, লেকিন এক বার তালিয়া তো উঠে यार, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जोरदार होना चाहिए। ओ अम्बे जगदम्बे माते की जय, जय दुर्गा माते की जय, भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, लोगों को अक्सर कहते सुना है लेकिन आपसे मिलने के बाद हमारे दिल में रिक्वेस्ट किया है कि मिलते रहेंगे, ये गाना के लिए रिक्वेस्ट किया गया नहीं होएगा, भगवान आपको स्वस्थ सुरक्षित रखे, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, साईं और शुभ रात्रि, बाय बाय टाटा। सुशील 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 एक गाना के लिए रिक्वेस्ट किया ना, सब मिलके मैं तो सिर्फ बोल सकता हूं, बोल के गए किधर गया सोमनाथ दा, मैंने क्या बोला बात देखा हो मैंने, इसका मतलब क्या है? फिर मुलाकात हो जाएगा।